माननीय गृह मंत्रालय और शासन के निर्देशानुसार ही कि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जो भी आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने के लिए निर्देश था, उसी के अनुसार कोई भी नई औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को अनुमति नहीं दी गई है। अतः जो माननीय गृह मंत्रालय और शासन द्वारा जो निर्देश दिया गया, उसी के तहत यहाँ कोई नई प्रतिष्ठान न खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। यह स्थानीय आवश्यकता अनुसार यह निर्णय लिया गया है और जैसे आने वाले स्थिति में जैसे परिस्थितियां जैसे बदलेगी तत्समय निर्णय लिया जाएगा। तरह से रणनीति रहती है आपकी, जो है क्या है पूरे? पहले हम जो भी अगर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट की अगर सूचना आती है तो पहले 2 घंटे में उनको ये चिन्हित करें कि उनके कांटेक्ट कौन कौन रहे हैं, वो सारे पता कर लें। और अगले 2 घंटे में उनको हम उन तक पहुंच जाए और उसके बाद उनको क्वारंटाइन करें, ताकि अगर कोविड-19 पेशेंट है भी तो वो और लोगों को ना फैलाए। तो इसमें के कंटेनमेंट कार्रवाई प्रभावी तरीके से रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स लगभग 20 लगाए गए हैं, जो पूरा मेडिकल एम्बुलेंसेस के साथ पीपी किट के साथ तैयार रहते हैं। जहाँ भी सूचना मिलती है तो तुरंत वो गंतव्य तक प्रस्थान होते हुए वहाँ कार्रवाई करते हैं। स्थिति आज की तारीख में 53 एक्टिव केसेस है और 56 ठीक हो चुके हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब केसेस बढ़ती है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और ठीक होता है लीनियरली। मतलब ठीक तो एक एक आदमी को एक के बाद जैसे हमें करना पड़ता है। तो ये हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि संख्या को या देखते हुए ढीले नहीं पड़नी चाहिए, उतनी ही सख्ती रखनी चाहिए, उतनी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर सब लोग अगर मिलकर एक साथ चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि रास्ता जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल देर रात तक जो सूचना है उसके अनुसार 56 लोग ऐसे हैं जो ठीक होके घर जा चुके हैं, तो 53 लोग बचे हुए हैं जो अभी कोरोना पॉजिटिव है, जिनको आने वाले दिनों में ठीक होके घर भेजना है। और इसके साथ ही साथ इनके संपर्क में जो जो आए हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से चिन्हित किए जा रहा है, और जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं हमारे वहाँ पे हमारे क्लस्टर कंटेनमेंट टीम्स मौके पर जाकर लोगों को अवेयरनेस कर रही हैं और साथ ही सैंपल कलेक्शंस की कार्रवाई की जा रहे हैं। और उन जगहों पे सख्ती से लॉकडाउन और सीलिंग का अनुपालन किया जा रहा है। पूरे जिले में ही इन जनरल लॉकडाउन में सख्ती की गई है। मैं आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूँ, कृपया घर में रहें। जो नियम कानून या अपील की गई है और कानून बनाया गया है, ये समाज के भले के लिए है, अतः प्रशासन का मदद करें। लगभग 48 मामले पहले से चिन्हित हैं जो सीज फायर से जुड़े हुए हैं, परंतु हम लोग ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हमेशा निरंतर प्रक्रिया है। ये हम हर कोविड-19 पेशेंट के द्वारा वो किन किन को संपर्क किए हैं, उनके कॉन्टैक्ट कौन कौन रहे, ये